सुबह ग्राम लखीसरा में पति रितेश नायक ने पत्नी ममता नायक की अवैध संबंध की शंका में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मौके पर ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी अशोक शर्मा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर विवेचना प्रारंभ की। 24 घंटे के अंदर आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस की इस प्रकार की सफलता को देखते हुए उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा इंगौरिया पुलिस को ₹10,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। दिनांक 8/11/2020 को ग्राम लखेसरा के कोटवार ने थाना इंगोरिया में सूचना दी थी कि ग्राम लखेसरा में एक महिला की लहूलुहान लाश उसके घर में पड़ी हुई, जिस पर से थाना प्रभारी इंगोरिया द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के कार्रवाई की तो मृतिका की शिनाख्त ममता पति रितेश नायक के रूप में हुई, जो कि शादी के 10-12 साल से ग्राम कुनगरा थाना देपालपुर इंदौर में अपने मायके में अपने पति के साथ में रह रही थी और दिनांक 8/11/2020 को शाम को वो अपने मायके कुनगरा से ग्राम लखेसरा आई और पति रितेश और पत्नी ममता खाना खा करके अपने घर में सो रहे थे और पड़ोस के ही रूम में आरोपी पति रितेश की माँ और उसकी भाभी सो रहे थे। रात में अचानक दोनों में कुछ विवाद हुआ और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पति ने घर में ही रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इस विवाद को सुन के पड़ोस में जब सोई उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो आरोपी रितेश दरवाज़ा खोल करके कुल्हाड़ी फेंक करके वहाँ से भागा। कुल मिलाकर के घटना में आरोपी रितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कार्रवाई थाना इंगोरिया पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही कर ली गई है। पति रितेश अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर के उस पर संदेह करता था कि वो मोबाइल पे किसी से बात करती है और साथ ही साथ में वो अपने मायके में ही रहना चाहती है, ससुराल में नहीं आना चाहती, इस बात को लेकर के काफ़ी मनमुटाव था और दिनांक 8/11/2020 को वो अपनी पत्नी को इसी उद्देश्य घटना के उद्देश्य से ही अपने गांव में लेके आया और रात में खाना खा करके सोए और फिर छोटी सी बात पर विवाद करके उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरे कार्य को करने में थाना इंगोरिया के थाना प्रभारी और उनकी टीम का काफ़ी योगदान है। एसडीओपी बड़नगर थाना प्रभारी इंगोरिया उनकी टीम द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की।